जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए मैं आया था, और बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं ये कोशिश कर रहा था यहाँ के लोगों को ये बताऊँ कि 70 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने भारत को दिया, और उन 70 सालों में हम जो डाउन ट्रॉडन एक समय में कहलाते थे, अनटचेबल्स हुआ करते थे, हम लोगों को छूने तक की मनाही हुआ करती थी, लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से, संविधान के वजह से, जो कौम पानी पीने के भी हकदार नहीं थी आज वो, और बैलगाड़ियों में भी बैठने के हकदार नहीं थी, आज वो पायलट बनती है और हवाई जहाज उड़ाने के काम करती है। तो ये बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से है। लेकिन अभी जो हम हालात देख रहे हैं इंडिया में, जो हालात हो रहे हैं, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, अब ऐसी ताकतें वहाँ पर रूल कर रही है जो बाबा साहब के संविधान पर काम करना नहीं चाहती, और वो नहीं चाहती कि बाबा साहब का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रहे। वो अपने फिर से मनुस्मृति, जो एक रिलीजियस उनका ग्रंथ हुआ करता था, उस ग्रंथ को फिर से वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के लोगों को पीटा जा रहा है, सिखों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, अनटचेबल्स दलित इनको पीटा जा रहा है। सारा इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है, इन लोगों ने जो आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस आप लोगों को शायद पता ना हो तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरएसएस ये इंडिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मोहन भागवत वहाँ का लीड जो करता है, यही उनकी जो पार्टियाँ अब सत्ता में आई है, तो ये सारे लोग भारत के डेमोक्रेटिक कंडीशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य होने के नाते, मैं भारत के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई मैं भारत के बाहर से लड़ता रहता हूँ। यूनाइटेड नेशंस में 27 सितंबर को हम लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में जाके मैंने भारत में जो जो चल रहा है वो सारी बातें वहाँ रखी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हम लोगों ने लंदन में प्रोटेस्ट किए, उस वजह से कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा था उसको लेकर हम लोगों ने वहाँ पर फाइट किया है, और यूरोपियन यूनियन ने इसमें इंटरफेयर करके अपने दो लोगों को इंडिया में भेजा था, और फिर से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन जितने भी हमारे हक और अधिकार है उसको किस तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज पाकिस्तान हो, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूँ, सारे लोगों को मैं एक कर रहा हूँ ताकि भारत की डेमोक्रेसी को बचा सके। मैं पाकिस्तान के भी लोगों से ये अपील करूँगा, इंडिया पाकिस्तान बाकी की ये जो टेंशन चल रही है, इंडिया के लोगों को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। हम लोग हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए ही फाइट कर रहे हैं, तो हम लोगों को पाकिस्तान का डर बताया जाता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के इकोनॉमी से या इंडिया में क्या चल रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की, भले ये गवर्नमेंट्स हमारी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया जो फैलाती हो, लेकिन हम लोगों को एक होकर काम करना होगा। इंडियंस को भी मैं ये मैसेज लेकर जा रहा हूँ कि पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को यहाँ इनवाइट करता है, पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को ट्रीट करता है, और मैं आज यहाँ से एक मैसेज लेकर जा रहा हूँ, पाकिस्तान से एक मैसेज लेकर जा रहा हूँ कि इंसानियत यहाँ पर कायम है, और इंसानियत के नाते हम लोगों को, इंसान होने के नाते, ये जो बॉर्डर्स और ये सारी है ये छोड़कर इंसान के नाते हमको एक होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा हमेशा ये धमकी दी जाती है इंडिया में आरएसएस को लोगों से, बीजेपी के लोगों से, अगर हम हमारे हक की बात करते हैं, हमारे अधिकारों की मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि फिर आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान जाओ, ये हमको धमकी दी जाती थी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई कल हमको फिर से कहे पाकिस्तान चले जाओ, तो ये हमारे लिए धमकी नहीं होगी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इतना अच्छा देश हम लोगों को आने को मिलेगा। लेकिन मैं ये वहाँ के गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भारत की मिट्टी हमारी है, हमने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने भारत के लिए, भारत की मिट्टी के लिए हम लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, हमारे लोगों के खून बहे हैं, ये मिट्टी हमारी है। अगर किसको बाहर जाने की जरूरत है तो वो आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को भारत के बाहर जाने की जरूरत है। तो
तो पाकिस्तान से बहुत प्यार लेकर मैं इंडिया में जाऊंगा और भारत के लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया का मीडिया बताता है वैसा बिल्कुल नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग अगले साल या आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान में दुनिया के लोगों को बुलाए और बताए कि पाकिस्तान किस तरह से सही में एक पाक देश है। थैंक यू।